प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सभी बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक आवाज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कैंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो साथ में घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अगर साड़ी आई जी वीडियो साढ़े बहनों मैंने अच्छी लगे, इसमें लाइक और शेयर करो, तो अपनी आज की वीडियो कर दें शुरू। या आज साड़ी वीडियो कुछ इस तरह है कि आज की वीडियो असी दिखावे अपने बहनों बहनों अपने काम कार की रूटीन, सुबह की भी नहीं, दोपहर की भी नहीं, ना ही शाम की। तो आज के ब्लॉग असी साड़ी काम की रूटीन है वो है रात के काम कार की रूटीन। तो चलो चलते हैं अपनी काम काज की तरफ, ते नाले अपनी ये वीडियो अपने बेना बेन दिखा दें कि रात में सानू जट्टा जिमीदार केड़े केड़े काम कार करने पैंदे है। वह भी सर्दी दे वेच, सर्दी काफ़ी सर्दी की तैयारी में कर ली हुई है, जैसे वगैरह मैं पा ली है, सिर उपर कै वगैरह लेंदे हैं, तो चलते हैं अपने काम कार की तरफ। अच्छा बे, सर्दी काफ़ी जोर दी शुरू हो गई है साढ़े इलाके दे वेच, क्योंकि अजे इन्नी सर्दी आई तो नहीं हैगी, लेकिन रात में लगाना आवे ना अगर पानी तो सर्दी काफ़ी लगती है, इसलिए सर्दी का बंदोबस्त कर लिया। तो हम सब तो पहले चलते अपने पहले काम कार की तरफ, तो जिहड़ा जिहड़ा काम कार करांगे उस दे नाल नाल वीडियो बना के अपना बयान बयान दिखा लाँगे। असीं जिम्मेदार किसान भाई, रात में भी कड़ा कड़ा सानूं काम कार करना पैंदा है भाई। अच्छा भी मैं जा रहा हूँ मार्केट, रात हैगी पानी दी वारी, तो उहदे वास्ते लैन जानी एक तां लैट, तो दूसरा अम्मी जी वास्ते पीने वास्ते, सिर्फ अम्मी जी दे मेदे वास्ते। तो हिबा बेटी का काम देखो, पहले आ बाइक पर बह गई है, चाचू जी मैं भी थोड़े नाल जाना है। तो बेटा मैं तो लग जाना, मैं कल नहीं जाना है, मैं जल्दी च जाना और जल्दी वापसी आना है। हम वैसे भी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो माल न शामी कमरे च करना पैंदा है, तो सुबह बाहर निकलना पैंदा है, इसलिए बाज़ औकात लैट नहीं भी होंगी हैगी। तो लैट ले आवेंगे, उत्थे भी काम देगी, तो उस तो नाल फिर पानी वगैरह लगाना हो, फेरा वगैरह मारना हो, तो अगे पिछे भी लैट की जरूरत आती रही है। अभी हम जावे मार्केट तो टॉर्च लैट लैके आए, एक तो रात पानी लाना होंगे, भुख लग जाती है, खाने वास्ते एक तो बिस्कुट वगैरह लैके आए हैं, तो उसके नाल ही चलो सर्दियाँ आंडे तो नाल होने चाहिए, तो नाल चलो बंदा कोई बिस्कुट वगैरह भी खा लेता है। अच्छा भी अम्मी वास्ते सिर्फ लै लिया, तो हूँ लेंदे इतों बिस्कुट। फिलहाल तो भाई हम बेकरी से आनी, बेकरी से आ जाए फिर तो बिस्कुट लेंगे। अच्छा भाई दुकान तक पहुँचे हैं, दुकान तो ये लैटा लगियाँ बाइकों का काफ़ी अच्छी है, इसकी टाइमिंग भी अच्छी है, अगे तो इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा, फिलहाल इसकी गारंटी मिलती पी है। अच्छा भी घर आ गए हैं, तो हिबा बिटिया कह रही कि जल्दी ना ना मैनू बिस्कुट खोल के दो। अच्छे बिस्कुट भी अच्छे है, खुले बिस्कुट जेडे मेहमानों वास्ते और भी खाई दे, तो मैं शौक नहीं खाना है और बच्चे भी। अच्छा भी रात पानी बारी इस तरह टॉर्च लैट वे वास्ते लैके आया, मैन काम से तो बिस्कुट भी ना वास्ते लैके आया भाई जवेर और अबू जी वास्ते, मैं भी खा लेना, लेकिन मैं अपने वास्ते जो मैं लैके आया है, लैके आया ये अबू और भाई वास्ते। लैटा लिया के चार्जर लगा दी हैं, तो भाई कह रहा है कि इसनों पहला दो घंटे अच्छी तरह चार्जर करो, तो उस तो बाद इस्तेमाल करो, इस तरह बैटरी डेड हो जाती है, तो फिर इसकी टाइमिंग कम हो जाती है। ये साड़ी बिजाई क्लियर हो गई है, अज रहेगी सिर्फ इसनों पानी लगाने वाला, कोर कणक का काम मुक जाएगा, उस तो बाद 6 किले जी असी कोर वाली कणक बीजी उससे एक पानी मुश्किल हो जाएगा, एक पानी उसका मुश्किल रह गया है। उस तो अलावा हूँ 6 महीने ऐशना वेले समझ लो, नहीं वेले भी कौन ही, बल्कि काम तो चलते ही रहने, और उस दे नाल के नाल करना असी काम माल मनी का, वह तो डेली का डेली करना पैंता है, उस दे नाल भी खाला बनना हो गया, सुपरेवां हो गई, खाद हो गई उपरों, सुपरेवां काम नहीं मुकता लाला, एवें नहीं जिंदा इन्हू लगा बत्तर वाले पहला असी बनू ना वाटा पाइया सी, तो दो उत्थे सी मक्की ते रोनिया, ते ये वाटा टुटन गिया, इसलिए असी कहने टाइमो टाइम दिने दिने जिंदरा ला लीए, तो वट तकड़ी कर लीए कि राती तंग ना होइए।
हां जी इन कोट नहीं आई होंगी ना जिंदर जो कोट आएगी तो इसने पक्की हो जाना। जिस तरह मैं पहले दस चुका कि साड़ी पानी की वारी है, तो इसलिए भाभी जी उन्होंने अज सालन च भी गोश्त बनाया होया क्योंकि ताकत आला है, तो इस नाल रज के रोटी खा हो जाती है पहली गल, तो रात भूख नहीं लगती है। अगर कोई होर सालन हो बाल का सालन कुछ ऐसे भी जो शौक नहीं खाते है, तो फिर रात टोका बननिया होंगे है, बनिया लाइनिया होंगे वटा बहुत तंग होंगे है, रज के रोटी खाधी हुई हो रात सौखी लंघ जाती है। वो दो चार दफा चाह पी लेती फिर जरा गुजरा चल जाता है, नहीं तो बड़ी भूख लगती काम करते हैं। फिर क्यों भाई जवेद बारह एक बजे मैं समान लैके आया बीजी अज ती ना जो तो ना शाम का टाइम तो मसल रात की चाह बनानी एक उदो तुम सू आंडे ना लो उबाल के दौ आंडे उबोल कर दो ना दो साढ़े वास्ते मेरे वास्ते और भाई जवेद वास्ते अस ईजी होके खा के पानी लावे, नहीं तो फिर सर्दी बड़ी होंगी कमनी छड़ी आती है जिसन कहते कम छड़ी जाता है ना। अच्छा भी सब तो पहला काम वो हम असं माल करना कमरे तो सुबह शामी अठ नौ बजे असं कर दीदा कमर शामी तकरीबन अठ बजे ना असं ना कमर कर दीदा है, सुबह पाँच बजे साढ़े चार पाँच बजे बाहर निकाल देता है। जो माल बनना क्ढना काम है मेरा भाई जवेद है, जिन्होंने सारा अपना जिमीदारा तकरीबन टोटली काम मेरा और भाई जवेद है। मैं जवेद है मैं तो अपनी मुकम्मल तैयारी कर रही रात की पानी की वारी की, तुम अपनी तैयारी नहीं की बड़ी सर्दी लगेगी जिमीदार काम ही ऐसा है कमाल वाला जरा काम अपना करना ही पैना है चाहे तबीयत ठीक है चाहे नहीं काम ना कोई नागा ना कोई छुट्टी। अच्छा भी जरा बड़ा माल आ ये बनना तो आसान ही है, तो बड़े माल के नाल जो इस होंगे छोटे बच्चे जिन्होंने असं कहने कट्टियां उफ कट्टे जिड़िया कट्टियां कट्टे ये बहुत तंग करते फिर छड़न बन लगे बहुत जोर लगाना पैंदा इन्हां उपर, ये तो बंदे ने धरू के लै जाते बड़ा जोर हुंदा इन्हां विच बड़े काबू करके छड़ने बनने पैंदे आ। जिहड़ा साडा आ बच्चा आ ओ सामने कट्टा खड़ा बड़ा जोर लगाउंदे आ सानू धरू के लै जाते इन्हां दे पिछे अगर छुट जाण तां बड़ा नसना भजना भी सानू पैंदा है पकड़ने वास्ते इन्हां नूं। तो देखो तुसीं बोलदा पिया कि जल्दी इन्हां जल्दी मैनूं कमरे च करो, तो जदों इहनूं असीं कमरे च अंदर करने वास्ते छोड़िया तो इन्हें सानू धरू के भज जाणा है। अच्छा भी माल कमरे से बन लिया एक साड़ी वेड़ बनिया रह गई बकैट टोटल माल असीं बन लिया, तो भाई जो बैठ छड़न गया है तो इसलिए कि कैमरा बंद करते सी मैं भी माल नाल भाई दा बना रहा सी भाई जी जरा कट्टा बच्चा हो गया और एक कट्टा उफ कट्टी इन्हें नहीं छोड़ता है ये बड़ा जोर लेंदे बाज घर छोटे भी जाते नाचते भाजते बहुत ने बड़े शरारती होंगे निके निके बच्चे होंगे ना कट्टियां कट्टे हो गए भी शरारती होंगे, तो जो बच्चे या बच्चिया होंगे छोटिया वो तो बहुत ही ज़्यादा शरारती होंदिया है बहुत दौड़ दियाँ इन्होंने मैं बनिया है, तो नाल भाई नाल बड़ा माल भी बनाया है, तो अज राती पानी की वारी है इसलिए असं पट्ठे भी माल हमने पा देने तो भाई जो वेड़ में छड़ के लैके आ रहे कमरे च बनने वास्ते हूँ असं टोके वाला कमरे में खोलते हैं, तो जड़े इस पट्ठे आ चारा माल वास्ते हमने रला लेना है खुलियों से पा देना है अगे तो असं दसी सुबह रला के पाई दा फिर माल बाहर निकाली दा कि अज सारी पानी लगाना सुबह एक बई आके माल बाहर निकाल जाएगा तो एक चलना पानी लगा के इसलिए पहले खुलियों ही पट्ठे रला के पा देने तो सब तो पहला माल दे खुलियां दे तोड़ी पावांगे, तो उस तो बाद तोड़ी च फिर जो लूसन कुदरिया हुआ लूसन का चारा ये तोड़ी से रला देवांगे तो खुली इकट्ठे कर देंगे इस ढेरें लगा देंगे, तो सुबह इसनों हरे न खुलियां बराबर करके तो उस तो बाद माल बांधांगे। अगर सुबह पट्ठे पा के माल बनिए फिर काफ़ी लेट हो जाना क्योंकि सारी रात पानी लगाना है, इसलिए हूँ हरा खुलियां खुलियां सब तो पहला तोड़ी पाने फिर हरा लाने कैमरा कर देंगे बंद क्योंकि भाई जवेद घर चला गया पट्ठे में कले नहीं पाने ती भाई जवेद हूँ पानी बन जाएगा जहाँ तक पट्ठे पा के दोनों बई जावे तो सभी खुलियां चारा पा दिता है, तो हूँ चलते हैं अपने। अच्छा भी पानी साढ़े हमसाए साढ़े हल छोड़ गए हुए हैं फिर भी धक्का देखिए
उसने आवाज़ दी कि मैं पानी छोड़ दिता है, मैं पट्ठे पर सी मालूम तो भजे तो घर चल गए काम कार से तो अभी फिर फैस भी मार के आए, इसलिए मैं भजे ने कहा तसली कर ली। अच्छा भाई पानी बन के आ गए, पानी बन के पहले हमसाए बन गए थे, हूँ असं ट्रैक्टर लाने लगे अपने ट्यूबवैल उपर, करो भाई स्टार्ट, पानी पहुंचाया। अच्छा भी मैं ट्यूबवैल उपर पहुंचाया तो भाई जवेद ट्रैक्टर लैके आ रहा, ये पानी वाकई साले पहुंचने तो पहला पहुंचाया, पानी माशाला अगर जा रहा सब तो हूँ ते हूँ छप लगाने ट्रैक्टर नो और जल्द से जल्द चला देने अपना ट्यूबवैल, क्योंकि हम चरखी लगाती है तो हम ट्रैक्टर चलाने ट्यूबवैल चलाया तो ट्यूबवैल जरा सा पानी सट गया होया है, उसने पानी चक्या नहीं है, हूँ उस सब तो पहला पखे च पानी पावे नाल पानी पावे तो पखे च पानी आ जाएगा तो फिर बाद ट्रैक्टर चलावे तो फिर पानी निकालेगा ट्यूबवैल। अच्छा भी ट्यूबवैल ने काफ़ी सताया लेकिन पानी चक गया है, तो घर आने तक बाबी जी उन्होंने चाय बनाई सी, हम चाय पीने तो उस तो बाद फिर चले जाते हैं अपने क्यारे की तरफ, तो क्यारे से जाके देखते हैं पानी की की सूरत हाल है, तो नाले अपने देखने वाले भैन भैन दिखा दें सू तंग कोई गल हो गई यार, उन्हें सू तंग अभी तंग किया हटे फिर भी उन्होंने तंग करते रहे जटाका तरीका यही होंगे अगर वो खुदा ने खासा पखे की टीकी चकी जाए ना तो फिर गोबर पा पा के पानी पाना पैदा फिर ही चकदा पखा पानी बी पखा आसानी पानी थोड़ा चकता फिर फिर बने जो गैस उस पखे चाहे नहीं चकना छोटा चला लेना खराब पानी कटना पैदा टोई चा जाके असि हिम्मत नहीं हारते हौसले, इसलिए कहते जटा दे हौसले पहाड़ा तो बुलंद मिसाल किसी जिन्हें भी मिसाल दी बिलकुल सज दी हुई है तू तो कहना चकने यार फिर मैं क्या कि कोशिश करो अल्लाह करे सकते ना चके तो फिर छोटा सला लागे मैं इस तरह क्या चल चाह पी लग गया चलो कोई नहीं चाह देख लें गैस भी कमरे च रख लगी और चाय वाली देचकी भी अंडे उबालने वाली भी देचकी पानी पा के और प्यालियां भी और चाय और मीठा और पत्ती भी तो फिर मैंने सो जाना है फिर आप जाने और आपका काम जाने शादी करोड़ों की बात है ठीक है ना तो इधर 12 बजे तू चाय लेके आई मुझे तो डर लगता है भैया सुन लो मियां बीबी दी गल्लां इसलिए कहंदे बंदा छड़े चंगा है मैं तो नहीं डरदा हैगा चल कॉल कर दी मैं लै जाऊं आके मैं तो इबां कह रही हां इबां तेरे पापा जी अज नहीं है तो तू साडे कोल मेरे कोल सो इबां कहंदी मैं तो नहीं तेरे कोल सोना मैं तां अम्मी जी कोल ही सोना नहीं इबां नहीं मैं कह इबां कहंदी मेरे कोल सोना भाई और मेरे कमरे दा दरमियान च दरवाजा और फियाज दा मैं दरवाजा खोल लैंदी मैनू हौसला आ जांदा भी फियाज भाई अक्सर रात तक जागदा रहंदा मुंडे दे भी यार के बहुत ही खराब है। अच्छा भी ट्यूबवैल ने पानी चक लिया है तो हम चलते हैं क्यारे की तरफ, इस तरह क्यारे पानी आ रहा है, एक और कणक सुक्की बिजाई की हुई तो किसी किसी जगह इस तरह बनी लगानी पैंती पानी रोकने वास्ते नहीं तो वाट नाल पानी अगे पहुँच जाता है क्यारे के एंड पे तो पानी लगा के पानी क्या इस बराबर भरी जाता है तेरा आज लख खैर करे 8-9-10 किले पीछा हो जाता कोर कणक का, अगर एक पानी लगा हो 10-12-13 किले पीछा निकल जाता रात के बेच तो बड़े ट्यूबवैल तुम ट्रैक्टर लगाया है बड़ा पानी हो जाता टोक भी काफ़ी तंग कर दी इस फिर। अच्छा भी रात 11 का टाइम हो गया तो सारी रात असी इस तरह पानी लगाई जाना है तो जड़ी हैगी उच्ची जगह इस तरह सुकी रह गई है इस जगह पर पैर मारना पैदा जी कोर कनक होवे कोई सवागे ना उच्ची नीवी जगह रह जाती कोई धड़ी छोटी मोटी हो पैर मार देता है पैर के नाल बदलना खिलार देता है तो नहीं तो अखीर तक फिर जगह थोड़ी उच्ची रह जाती पानी तला पाना पैदा है इसलिए पैर मारा पानी उपर चढ़ जाएगा उस जगह पर। अच्छा भी साढ़ा 4 किले पीछा हो गया तो हूँ 5वें किले पानी छोड़ दिता असी तो टाइम हो गया 12:30 का
डेढ़ एक बजे चाय आ जाएगी, नाल आंडे आ जाएंगे। बोल करके उस तो पहला थोड़ी बहुत ही भुख लग गई सी, क्योंकि को रकबा भरते पे हैं, पहला पानी थोड़ा लगना मुश्किल होंदा है, इसलिए कुछ ना भुख लग गई सी। बिस्कुट मेरी जेब च ही आ, अबू जी भी आए हुए हैं फेरा मारदे, भाई जवेद और मैं तो पहले ही पानी लगा रहे सी, हुण खाने बिस्कुट इत्थों पैकेट मेरी जेब च पाए हुए हैं तीन, ते उस तो बाद फिर अबू जी सानू चाय और आंडे उबले हुए सानू इत्थे दे जाणगे, क्योंकि मेरा तो भाई दा टाइम नहीं लगता हैगा। माशाला डबल पानी आ, ते बड़ा साडा बोर आ, पानी दी काफ़ी स्पीड होंदी आ, तुसीं देख सकदे माशाला छको छक पानी जा रहा घर च। चंगा नहीं लगता ना सेम सर एक ही खाने हैं। जेडिया मैं नवी लाइटा लैके आया, लाइटा चंगी है डीपी लिया, काफी देर दलाईया, रोशनी भी ठीक है माशाला, टाइमिंग फिलहाल तो ठीक ही लगती नवी नवी करके। पहली असी इन्हें एक इस्तेमाल करते मैं तकरीबन साल तो, वह तो बड़ी बेहतर चलती पई है, तो इन्हों का हम पता नहीं की कर दी है, भुख काफ़ी लगी है, जल्द तो जल्द हम खाइए बिस्कुट, तो फिर दोबारा अपना कैरा लागे लागे ना छड़ना बनना पैना। अच्छा भी डेढ़ का टाइम हो गया, तो अबू जी लैके आए साढ़े वास्ते चाय, चाय के नाल आ गए आंडे बोल किए हुए, ये सर्दी भी काफ़ी हो गई, तो ठंड भी लगती पई है। आंडे अबू जी दो ही है, तुसी खा के चबू जी अपना आंडा खाया या मेरा और भाई जवेद का छिलो आंडा और खो भाई जवेद, मैं भी अपना आंडा छिला फिर। अच्छा भी आंडा सानू यह जहाँ पसंद है, भाई जवेद नो हाफ उबलिया हो, नमक भी आ, मेरा आंडा भी छिल लिया सी, हूँ आंडा खा के उपर चाय पीते हैं, तो कुछ भाई देखने वाले पूछे फियाज भाई कितने है, तो फियाज भाई सुता पिया है, भाई साढ़ा छोटा भाई है तो लाडला है ना, उन्हें कभी अम्मी अबू जी ने खास काम किया है ना, मैं और भाई जवेद कहते हैं जो है छोटा भैन भाई वो लाडला हों, सब माँ बाप तो आपका माँ बाप तो लाडला होंगे ही होंगे, भैन भाई का भी लाडला होंगे है, तो फियाज भाई साढ़ा बड़ा लाडला है, इसलिए असं उन्होंने कभी भी ऐसा काम किया नहीं है, मैं और भाई जवेद खुद ही करते हैं। भाई जवेद ने चांडा खा के चाय पीनी शुरू कर दी है, आप भी चाय पीते हैं। अच्छा भी सुबह चार का टाइम हो गया, तो साडा पानी का टाइम भी खत्म हो गया, तो असी जेड़े अपने गंदम की बिजाई मुकम्मल हो गई है, उसका पीछे मुकम्मल हो गया, गंदम के 6 किले से, उस तो अलावा साढ़े 2 किले पट्ठे से वह भी क्लियर हो गए, तो किले 2 किर छड़ दिता पानी, तो हूँ ट्यूबवैल बंद करके ट्रैक्टर घर ले जाने, तो फिर घर जाके माल नू कमरे च बाहर निकाल देने हैं।